हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट यू बेस्ट 2021। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पेपर वन और पेपर टू हम सॉल्व कैसे करेंगे। जब एग्जाम हॉल में हम बैठे होते हैं, हमारे पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो हम स्ट्रेस को मैनेज कैसे करेंगे और पेपर को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, जब आपके पास पेपर आता है, आप पूरा कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखिए। जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल रहा है, सब कुछ भूल रहा है। हम लोग इतना कुछ, इतनी मेहनत हमने कर ली है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ याद नहीं आ रहा है। जब आप पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं तो आपको धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। और इसीलिए पहले से कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम से कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। मेहनत पूरा जब आप करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर वैसे भी रहेगा। और नेगेटिव एटीट्यूड बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा बना के रखें। पेपर सॉल्व करने का तरीका यह है, जब आपके हाथ में पेपर आता है तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करें जो आपको 100% आता है। देखिए, आपके पास 120 मिनट्स होते हैं और 150 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो जो लोग बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, जिन्होंने एक दो बार पेपर सॉल्व किया है, उनके लिए तो टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं आता है। लेकिन अगर आपने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में सोचना शुरू कर दिया, ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया, तो आपको फिर लास्ट में स्ट्रेस हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट का इशू आ जाएगा। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि आप अपने 120 मिनट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें और 50 50 क्वेश्चंस वैसे करें। जैसे कि पहला राउंड जब आप करते हैं तो आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको 100% आते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में। तो पहला राउंड जब आप कीजिए तो 30 मिनट्स लीजिए 50 क्वेश्चन करने में। 30 मिनट्स का एक 50 का सेट, फिर 30 मिनट का एक 50 का सेट, फिर 30 मिनट्स का अगला 50 का सेट। ऐसे करके आपके 90 मिनट्स चले जाएंगे जब आप एक बार सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएंगे, और उनमें से जो आपको आ रहे होंगे वो आप ओएमआर शीट में भरते जाएंगे। उसके बाद दूसरे राउंड में आप 20 मिनट लीजिए, 20 से 25 मिनट दूसरे राउंड में। वो क्वेश्चंस जो आपके दो क्वेश्चंस लगभग दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जा रहे हैं और दो में आप 50-50% या 60-40% में हैं, तो आप दूसरे राउंड में वो क्वेश्चंस कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चंस लगभग आपको जितने क्वेश्चंस ऐसे हों जहाँ पे 50% तो आपका दो ऑप्शन जहाँ पे एलिमिनेट हो गया, वो क्वेश्चंस आपको 100% करने हैं। और ऐसे करके आप दूसरा राउंड 20 से 25 मिनट में कर लीजिए। दूसरे राउंड में चूंकि आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन क्वेश्चंस नंबर में कम है, तो इसीलिए आपका 20-25 मिनट में हो जाएगा पूरा का पूरा। आपके पास बचेगा 15 मिनट। लास्ट राउंड जब आप करेंगे तो आप मान लीजिए कि आप सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, 3 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हैं, या तो ऑप्शन थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा है कि ये सही है ये गलत है। देखिए, अगर आपके 125 क्वेश्चंस हो गए हैं, 125, 26, 27, 28, मतलब 125 के आसपास अगर आपके हो गए हैं, तो आपको थर्ड राउंड में कुछ ही क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है या नहीं भी ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके 125 क्वेश्चंस नहीं हुए हैं तो ज़रूरी है कि आप 125 से 30 के बीच में ज़रूर अटेम्प्ट करें, इससे कम अटेम्प्ट ना करें। कम अटेम्प्ट करेंगे तो, क्योंकि देखिए गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जिन क्वेश्चंस को आप सोचेंगे कि ये तो मेरा 100% सही होगा, एग्जाम में जब आप घर आके देखेंगे तो वही 100% गलत हो जाता है। तो ऐसे में 125 से नीचे अटेम्प्ट ना करें। और इस तरीके से 3 राउंड में आप क्वेश्चंस को करें और टाइम को ध्यान में रखते हुए करें। जैसा कि मैंने बताया, 30-30 मिनट्स, फिर 25 मिनट्स में एक बार पूरा पेपर, और फिर 15 मिनट में लास्ट बार में पूरा पेपर एक बार कर लीजिए। ऐसे करके जब आप करेंगे तो आपका टाइम बहुत सही मैनेज होगा और कॉन्फिडेंस पूरे टाइम बना रहेगा। लास्ट में आके ये नहीं होगा कि 20 मिनट हमारे पास बचे हैं, हमारे पास 25 क्वेश्चन, 20 मिनट्स हमारे पास बचे हैं, हमारे पास 50 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं जिनको हमको अभी टच करना है, हमने अभी टच ही नहीं किया। तो लास्ट में क्या होता है कि जो आप पीछे क्वेश्चन छोड़े रहते हैं वो क्वेश्चन दोबारा आप देख ही नहीं पाते हैं। ऐसा मेरे कई दोस्तों के साथ हुआ है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये चीज़ बता दूं। अब देखिए, अभी आपको करंट अफेयर्स जो आपकी ई दृष्टि है, आर्थिकी जो आपका डेटा है, शॉर्ट नोट्स अगर आपने कोई बनाया तो शॉर्ट नोट्स, और नहीं तो अगर आपने घटना चक्र में टिक किया। देखिए, मैं कभी घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाती थी। मैंने क्या किया था कि पहली बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, तो तीसरी बार में जो टफ क्वेश्चंस लगते थे, मुझे लगता था कि पहली दूसरी बार में जो क्वेश्चंस याद नहीं हुए हैं उनको मैं तीसरी बार में घटना चक्र में ही टिक कर लेती थी। तो ऐसे हर पेज में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, कहीं कहीं पे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता था, तो बस उसको पेजेस पलटते जाइए, पलटते जाइए, पलटते जाइए, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उन क्वेश्चन को एक बार बस देख लीजिए, और इस तरीके से आप घटना चक्र को रिवाइज कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स तो आपके पास है ही,
आर्थिकी आपके पास है ही, आर्थिकी में जो डेटा वाला पोर्शन है उस पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, और इस तरीके से आप लूसेंट में आप डायनेस्टी वगैरह हिस्ट्री का देख सकते हैं। अगर आपको जल्दी जल्दी में देखना है तो आप लूसेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे, मैंने कभी लूसेंट का यूज नहीं किया, सिर्फ डायनेस्टी हिस्ट्री के, डायनेस्टी के लिए मैंने किया था, उसके बाद कभी नहीं किया। आप अपने हिसाब से जैसा समझते हैं वैसा कर लीजिए। बायोलॉजी को जरूर एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, पॉलिटी वाले घटना चक्र को जरूर एक दो बार, जो टफ क्वेश्चन होंगे वहां देख लीजिए, क्योंकि ये ऐसे पोर्शन हैं जहां से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आंसर सॉल्व करने का एक दो तरीका और होता है कि जो, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें जो बड़ा आंसर होता है ना, जनरली वही सही आंसर होता है। तो आप एक दो, ये ट्रिक है। दूसरी एक ट्रिक है, ऐसी है कि जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन आता है, जनरली ये हिस्ट्री पे अप्लाई होता है कि जिन क्वेश्चंस को आप गलत नहीं साबित कर सकते। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है कि मौर्य काल में इस प्रकार की पुस्तकें लिखी जाती थी, तो आप देखिए इस प्रकार की पुस्तकें लिखी जाती थी मौर्य काल में कि नहीं लिखी जाती थी, ये आप कहीं से जनरली ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से जिन क्वेश्चन को आप 100% गलत ना कर सकें, उन क्वेश्चन को आप जनरली सही कर दीजिए, वो सही भी हो जाता है। देखिए जो भी गलत गलत ये लोग आंसर देते हैं ना, जहां पे गलत होता है, इनकरेक्ट, जो स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट होता है, वो जनरली ये लोग डेटा में इनकरेक्ट करते हैं। 2019 के बजाय 2020 कर देंगे, 2020 की बजाय 21 कर देंगे, 89 के बजाय 90 कर देंगे। ये लोग ना डेटा में हेर फेर ज्यादा करते हैं, स्टेटमेंट्स में कम हेर फेर करते हैं। तो इस हिसाब से आप कुछ क्वेश्चंस को ध्यान में रख के कर सकते हैं। और देखिए जिन कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप हिंदी और इंग्लिश में बहुत अलग अलग स्टेटमेंट दिया रहता है, हिंदी में कुछ अलग दिया है और इंग्लिश में कुछ अलग, तो जब भी आप इंग्लिश में कंफ्यूज हो और अगर आपको आंसर सही से नहीं आ रहा है, तो आप जरूर हिंदी वाला पोर्शन देख लें। और अगर आप हिंदी वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको इंग्लिश में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप हिंदी वाला जरूर, इंग्लिश वाला जरूर देख लें। मतलब कि जिस भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, उस क्वेश्चन में दोनों आप हिंदी इंग्लिश देख लें, ताकि वो एकदम से क्लियर हो जाए। इस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और लास्ट में वही है कि स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, और अपना पूरी तरीके से आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएं, और मेहनत अभी करें। अब देखिए, अब वो टाइम नहीं है कि आप बहुत टफ क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, अभी वो टाइम है जो इजी क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करें। जो इजी क्वेश्चन है, जो एकदम लगता है कि 100% एग्जाम में आने वाला है, यहाँ से तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन को आप रिवाइज करें। मान लीजिए कि दो तीन चैप्टर में या किसी एक चैप्टर में एक कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ पा रहा, जिसका आंसर आप नहीं खोज पा रहे हैं, तो उस आंसर को ढूंढेंगे जब आप, तो उसमें आपका इतना ज्यादा टाइम चला जाएगा कि आप उसके जगह पे आप तीन चार आंसर्स पढ़ लेते। और देखिए कुछ लोगों का ये होता है कि हम दो तीन बुक्स पढ़ लें, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम घटना चक्र की करंट अफेयर्स भी पढ़ लें, हम घटना सार की भी पढ़ लें, और कोई करंट अफेयर आती है उसको भी पढ़ लें। तो देखिए आप एक बुक से, अगर आप एक बुक को तीन चार बार पढ़ते तो आप उसको बहुत अच्छे से कर पाते। आप एक बुक को एक बार पढ़ रहे हैं, दूसरी बुक को दो एक बार पढ़ रहे हैं आप, या एक बुक को दो बार पढ़ रहे हैं, दूसरी बुक को भी दो बार पढ़ लेना है, तो ये पहली वाली बुक का एक क्वेश्चन आप, दूसरी वाली बुक का एक क्वेश्चन आप सही करने के चक्कर में पहली वाली बुक का दो तीन क्वेश्चन आप गलत कराते हैं, क्योंकि आप उसको बहुत अच्छे से नहीं किए रहते हैं। आप इस बात से खुश तो हो जाएंगे, अरे घटना सार का ये क्वेश्चन तो मैंने सही कर दिया, लेकिन आप ये देखेंगे कि घटना चक्र के एक दो क्वेश्चंस जो घटना चक्र में होंगे, लेकिन आप सही से ना पढ़ने की वजह से आप वो गलत कर देंगे। तो मेरा मानना है कि, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ एक ही पढ़िए, मैं ये कह रही हूँ कि एक को बहुत अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो वो क्वेश्चन जो पहले वाले में नहीं दिए हैं उसको दूसरे से पढ़ लीजिए। नहीं तो अगर आपको सिर्फ एक पढ़ना है और आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक घटना चक्र ही फॉलो करें। हिंदी मीडियम वाले हिंदी फॉलो करें, और इंग्लिश मीडियम के वो लोग जो हिंदी में पढ़ सकते हैं वो हिंदी को ही पढ़ें, जो लोग हिंदी में नहीं पढ़ सकते वो इंग्लिश वाले को पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको लगेगा अरे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, ये तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को देख करके बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें आया था कि ट्राइब्स के ऊपर आया था, केरिया ट्राइब्स, कुकी ट्राइब्स, यनादी ट्राइब्स, पलियान ट्राइब्स। वैसे बहुत लोग तो इन ट्राइब्स को जानते होंगे, लेकिन कई बार ना बहुत लोग इस ट्राइब्स को जानते भी नहीं है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डायरेक्टली घटना चक्र में, इसमें से दो ही ट्राइब्स डायरेक्टली घटना चक्र में दिया है, दो तो नहीं दिया है, तो क्या करें और कौन सा करेक्ट है, कोड इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिए। तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके, या कोई भी अगर क्वेश्चन आपको लगता है कि अरे ये क्वेश्चन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ना घटना चक्र में है ना ही
ना ही हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा है, तो ऐसे क्वेश्चन को देख के बिल्कुल आपको घबराना नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन आप गलत करेंगे, अगर आपने बेसिक बुक्स पढ़ी हैं, अगर आपने बेसिक जो रिकमेंडेड बुक्स है वो आपने पढ़ी है, तो अगर आप जो क्वेश्चन सही करेंगे वो सारे लोग सही करेंगे, मीन्स कि जो क्वेश्चन आपका गलत होगा वो लगभग सारे लोगों का गलत होगा। इसीलिए टफ क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं आपको बिल्कुल भी। आप बस एक काम करें, जो पहले इजी क्वेश्चन से उनको कर डालें, दूसरे नंबर पे दूसरा राउंड जब आप करते हैं तो इजी क्वेश्चन से जो आपको समझ में आ रहा है उसको कर डालिए, और थर्ड राउंड में जो आपको लगता है कि 125-30 के आसपास पहुंचाने के लिए आपको जो सही क्वेश्चन लगते हैं आप उनको कर डालिए। लेकिन आप परेशान मत होइए क्वेश्चंस को देख करके, अगर आप परेशान होएंगे, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा आपका वहीं पे, तो आप सही क्वेश्चंस को भी गलत कर देंगे। पीसीएस में अब देखिए, चूंकि 150 क्वेश्चंस होते हैं, आपको कट ऑफ पार करने के लिए 90 क्वेश्चंस सही करने होते हैं, नेट 90 क्वेश्चंस। अगर 15-20 क्वेश्चंस उसमें से ऐसे आ जाते हैं जो कि आपने कभी सुना नहीं है, कभी देखा नहीं है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, 135 तो है जहां से आप सही कर सकते हैं। और हर पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। इस तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट और कॉन्फिडेंस पूरे पेपर में, पूरे पेपर के दौरान आपको बनाए रखना है। देखिए, अगर आपके टेस्ट सीरीजेस के क्वेश्चंस नहीं बहुत अच्छे हो रहे हैं, जैसे किसी के 60 हो रहे हैं, किसी के 65 या 70-75, मीन्स कि 90 से नीचे जिसके हो रहे हैं, उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी वो टाइम नहीं है कि आप टेस्ट सीरीजेस सॉल्व करें। अभी ज्यादा जरूरी ये है कि आप जो करंट अफेयर है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, या घटना चक्र में जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, आप उसको रिवाइज करें, आर्थिकी को रिवाइज करें, और जहां जो भी आपके सोर्सेज हैं आप उनको, सोर्सेज को रिवाइज करें। सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है अभी। और इसके अलावा एक चीज आप बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको ओएमआर शीट भरते टाइम आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओएमआर शीट की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आप कर लें, उस अगर वो गलत हुआ तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, इसीलिए आप उसको भरने में गलती ना करें। और इसके अलावा बस आप कॉन्फिडेंस बनाए रखें और अच्छे से अभी पढ़ाई करें, अभी जिस पेस में पढ़ाई कर रहे हैं उस पेस में पढ़ाई करें, और एग्जाम पोस्टपोन होने के लिए बिल्कुल ना सोचें। एग्जाम पोस्टपोन होने की संभावना बिल्कुल शून्य के बराबर है, तो आप बिल्कुल उसके बारे में ना सोचें, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। और ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच।